हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं टेक्साफ़। दोस्तों, आप अक्सर देख रहे होंगे कि अभी वीवो की जो वाई सीरीज़ है, वी सीरीज़ है, उनको अनलॉकिंग वगैरह, एफ आर पी वगैरह नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही और कैसे होगी, वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, वीडियोज़ को पूरा देखना तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। पिछली वीडियोज़ को लोगों ने पूरा देखा तो रियलमी के ऊपर बहुत अच्छा कमेंट्स मिला मेरे को, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा, बहुत अच्छे व्यूज़ आए। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियोस देखते हैं तो बात को ईजिली समझ सकते हैं। रियलमी का जो ओ टी पी होता है ना, जो मैंने बताया था, रियलमी का ओ टी पी, वो 1 मिनट तक ही रहता है, उसके बाद एक्सपायर रहता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ओ टी पी ले लिया, कहने भाई हम 1 घंटे बाद यूज़ करेंगे, तो वो इतना टाइम नहीं होता। जब आपके पास मोबाइल आए तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो ऑफ़र ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 100 से ज़्यादा मैंने दे दिए हैं ओ टी पी। ठीक है, बट आई ट्राई, जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है। ठीक है, वीवो के आप देखते हैं कि वीवो का Y19 है या V23 है, 23E है, T है, Y73, Y15 है, इनको अनलॉकिंग और एफ आर पी करने में प्रॉब्लम हो रही है सब लोगों को। या फिर ये होता है कि आमिर भाई, हम Y73 है, Y15 है या Y19 है, V23, इनको जब हम अनलॉक करते हैं अनलॉक टूल से या UMT से, तो शायद डेड हो जाता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कंप्लेंट आ रही है। इस चीज़ का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने तकरीबन 15 दिन हो गए होंगे, 15-20 दिन पहले एक वीडियो में बनाया था कि हार्ड रिसेट करने से मोबाइल डेड हुआ है, Y15, Y21, उसकी फिर मैंने एक यहाँ पे फाइल दी थी कि भाई इससे आप लॉक टूल से कर लो, ऑन हो जाएगा। तो अच्छा व्यूज आया, अच्छा उसका वो मिला। देखो वजह क्या होती है, सारा ये होता है अपडेट का। हम लोग हल्के में ले रहे थे MTK CPUs को, क्योंकि देखो एक बहुत बारीक बात बताता हूँ आपको, वीवो का FDL होता है। ठीक है, ये वीवो का FDL होता है। FDL का मतलब होता है फास्ट बूट टू ETL। जब वीवो के वो मॉडल, जैसे कि ये तो MTK मार्ग, जो क्वालकॉम सीरीज़ थे, उनको FDL करने के लिए, फास्ट बूट टू ETL करने के लिए, कि भाई मैं खोलना नहीं चाहता, बगैर खोले मैं चाहता हूँ उसको अनलॉक कर दें, तो उसमें क्या होता था कि जो टूल सपोर्ट नहीं करते थे, अनलॉक टूल सपोर्ट नहीं कर रहा, AMD सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो बंदा ऑनलाइन करता था FDL, वही बंदा अपने टूल से, AF टूल है या फिर जिस भी टूल से वो काम करता था, वो टूल मेन था। उसके अंदर क्या होता था कि वो पोर्ट लेगा अपने PC में, आपके PC में फास्ट बूट को, उसको कन्वर्ट करेगा क्वालकॉम को, वहीं से अनलॉक कर देगा, या फिर अगर UMT वगैरह या फिर अनलॉक टूल वगैरह सपोर्ट करेगा तो क्वालकॉम आ जाएगा, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते थे। लेकिन अभी मसला ये आ रहा है, हम लोग बहुत ईजी समझते थे MTK को, लेकिन वहीं गेम खेल दिया वीवो ने इस चीज़ के ऊपर कि Y19 जो है वीवो का, मैं आप यकीन माने कि डेली के 10-12 सेट Y19 के आते हैं कि हमें भाई इसको अनलॉक नहीं हो रहा है, पोर्ट में इशू आ रहा है। देखो वीवो ने अपडेट देना शुरू कर दिया है, हो सकता है कुछ दिनों बाद वीवो के जितने ही मॉडल हैं बड़े बड़े वो ना हो अब अनलॉकिंग, जैसे कि वी सीरीज़, V23, 23E, TE, ठीक है, V23 Pro, इसको अनलॉकिंग वगैरह और FRP नहीं हो रही है। उसकी वजह ये रही कि ये MediaTek का प्री लोडर बना रहा है, हार्ड रीसेट करके तो अक्सर लोग कर देते हैं, या फिर कभी कभी अगर ओल्ड वर्जन है तो वो उसमें यूज़ हो जाता है, लेकिन उस पर FRP नहीं होती है। FRP का सोल्यूशन यही है, तो बस बाईपास करो, और कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत मैसेज आते हैं इस चीज़ को लेकर, FRP वीवो का वी सीरीज़ वाली जो होती है अक्सर मॉडल, इनको लेकर Y15 ऐसे डेड की प्रॉब्लम आ रही है कि भाई फॉर्मेट करा डेड हो गया, Y21 डेड हो गया, Y21 डेड हो गया। उसके बाद जब ये वाली फाइल चढ़ा देते हैं ना हम, ये फाइल मैंने, ये Y21 की, ठीक है, आज 2-4 दिन से मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ था, वो अभी हुआ है, उसको ज़िंदा करा है बहुत मुश्किल से। MediaTek में आएंगे ना तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके यहाँ से वो फाइल चढ़ाओ और बूट कर दो। वो मैंने आपको पूरी इस वीडियो के अंदर बताया था, इस वीडियो को देख लोगे तो समझ जाओगे अगर डेड की प्रॉब्लम आती है। वीवो के MTK को हल्के में ना लो, अगर आपका मोबाइल डेड होता है तो डोंट वरी, हो जाता है। वीवो का Y19 से अनलॉकिंग नहीं हो रही तो उसका टेस्ट पॉइंट है गूगल में, आपको उसका टेस्ट, अब मेरे पास को मैसेज कर रहे हैं लोग कि MTK में टेस्ट पॉइंट कब से आ गए, भाई MTK में भी टेस्ट पॉइंट आते हैं, अब सैमसंग के में भी टेस्ट पॉइंट आते हैं। टेस्ट पॉइंट का मतलब होता है, आप उसको EDL कह सकते हैं। एग्जाम्पल ये देखें, वीवो का Y19 का टेस्ट पॉइंट है ये, यहाँ से इसको जस्ट करके और ग्राउंड पर टच करो तो आप अनलॉक टूल से भी उसको यूज़ कर सकते हो। वीवो अब अपडेट देगा और मेरे को उम्मीद है, क्योंकि वीवो का जो FDL वाला टूल था ना वो बंद हो चुका है, जिसके पास भी है वो उसका रेट बहुत हाई है। आप यकीन माने वीवो का MTK जो सीरीज़ है, जैसे कि वीवो V23 है, अगर मैं उसको FRP करनी है और FRP नहीं हो रही है, ऑफलाइन में बाईपास नहीं कर पा रहा हूँ, तो रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा। यहाँ से आप इसको फैक्ट्री रिसेट कर सकते थे, अभी करोगे तो वो पोर्ट बनाएगा लेकिन प्री लोडर बना देगा, तो मसला वहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारा गेम अपडेट का होता है। जब मोबाइल को कंपनी को सिक्योरिटी बढ़ानी होती है, जैसे कि ओप्पो ने अपने क्वालकॉम की सिक्योरिटी हाई करी, तो उसमें फिर यही करा कि उसने टूल को पेड कर दिया। अभी वीवो ने ड्राइवर के अंदर गेम खेल दिया कि जब आप पोर्ट बनाएगा तो वो पोर्ट वो टूल सपोर्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इजली है, हो
हो सकता है ट्राई करा करो बाईपास करने का, अगर बाईपास ना हो तो अब टेंशन मतलब डेड होने की, डेड होगा तो ऑन हो जाएगा, बेफिक्र रहो ठीक है। बस एक छोटा सा अपडेट देना था वीवो के बारे में, सारा गेम अपडेट का होता है, जब मोबाइल को अपडेट किया जाता है तो सिक्योरिटी हाई होती होती है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मोबाइल की कंपनी किस हद तक वो कर सकते हैं, मतलब कि अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, कि वो एक आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा अपडेट दे रही है कि उसके बाद आप मोबाइल का FRP या अनलॉक टूल से या किसी भी टूल में आप सपोर्ट नहीं है। हाँ हो सकता है कि उस जो मोबाइल अपडेट दे रहा है ना उसको अपडेट करने के लिए अनलॉक टूल गेम खेल जाए, अनलॉक टूल अपना एक नया अपडेट आ दे, जैसे अनलॉक टूल ने अभी सैमसंग का लेकर आ रखा है, अगर कोड वर्क करता है तो गेम खेल सकते हैं आप, FRP अनलॉक कर सकते हैं ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।